नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी में बरसात से आमजन को गर्मी से मिली राहत, सड़कों पर भरा पानी। कीटनाशक दवा से हुई मौत, मृतक फसल में कीटनाशक का कर रहा था छिड़काव। टीम ने बर्न केयर यूनिट का किया निरीक्षण, कहा अलवर में हो रहा है बेहतर काम। चोरों की पहली पसंद बनी किराने की होलसेल दुकान, पूर्व में भी हो चुकी है चोरियां। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में आज दिन सोमवार को दोपहर के बाद मौसम फिर पलट गया, जिससे तेज गर्मी से निजात मिली। वहीं पहले तो तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चली और उसके बाद देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई और बरसात होने लगी। वहीं दिन में ही काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया। वहीं कुछ देर बाद ही बूंदाबांदी शुरू हुई और तेज बरसात का दौर शुरू हो गया। हवा के साथ आई तेज बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को इधर उधर जाने का मौका ही नहीं लगा और जो जहां था वो वहीं रुक गया। तेज हवा के कारण पेड़ पौधे हिलोरे खा रहे थे, तो वहीं तेज बरसात के कारण घरों की छत पर बरसात का पानी टरका रहा था कि मानो हिल स्टेशन पर आ गए हों। वहीं हवा के साथ आई तेज बारिश से शहर की सभी गलियां में मुख्य सड़कें पानी से लबालब हो गई। जगह जगह जलभराव होने से सड़कें दिखना बंद हो गई। कुछ ही देर में सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहने लगा। अचानक आई हवा के साथ तेज बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया, जिससे लोगों को कूलर पंखे बंद करने पड़ गए। फिलहाल तेज बारिश और हवा से क्षेत्र में किसी प्रकार के कोई नुकसान की सूचना नहीं लगी है, लेकिन इस बारिश से कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। खैरतल नगर के भगत सिंह शाखा का कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जिला कार्यवाह अनिल रहे। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों की सक्रिय भागीदारी रही। अच्छे बौद्धिक खेल प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम हुए। मुख्य वक्ता ने बताया कि परिवार किसी भी राष्ट्र की सशक्त इकाई होता है, अगर उसमें विघटन होता है तो देश के लिए ठीक नहीं है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहे, मंगल संवाद होता रहे और हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, उस धन का सदुपयोग करना है। इसलिए बच्चों के करियर के विषय में जरूर सोचें, पर उनको केवल धन कमाने की मशीन नहीं बनाएं, ऐसा ठीक नहीं है। यह जानकारी जिला कुटुंब प्रबोधन प्रमुख मुकेश कुमार ने दी। पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव और विधानसभा प्रभारी महासिंह चौधरी के सानिध्य में भाजपा मंडल किशनगढ़ बासवे मोडुका के कार्यकर्ताओं की बैठक भाजपा कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में बूथ को मजबूत करने का संकल्प लेकर और प्रत्येक बूथ पर जाकर बूथ अध्यक्ष के साथ समिति की बैठक करने को कहा। इस बैठक में प्रत्येक बूथ पर प्रभारी भी लगाए गए। ये बूथ प्रभारी प्रत्येक बूथ पर जाकर प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे। वे भाजपा का प्रसार प्रचार करेंगे, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने जोड़िया में हुए किसान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ, मोडुका के अध्यक्ष बलविंदर सिंह लबाना, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश बटवाड़ा, भाजपा प्रसार प्रचार समिति के जिला सह संयोजक मनोज मित्तल, पूर्व जिला पार्षद रहमत खां मेवाती, सरपंच हनीफ खान, महामंत्री प्रदीप संगवैया, कृष्ण यादव, राजकुमार, नगर पालिका के पार्षद सहित अनेकों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। विगत कई वर्षों से प्रधान नसरू खान अंजुमन शिक्षा एवं विकास समिति रामगढ़ के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन कर मेव समाज के लोगों को व्यर्थ के दिखावे में खर्चे को रोकने की प्रेरणा देने के साथ साथ समाज के निर्धन और जरूरतमंद परिवार के लोगों को सामूहिक विवाह में शादियां करवाकर समाज के भामाशाहों के सहयोग से सामूहिक विवाह के प्रत्येक जोड़े को जीवन यापन के लिए घरेलू उपयोग के जरूरत की सभी वस्तुएं, कपड़े, गहने आदि भेंट करते चले आ रहे हैं। इसी के साथ ही वर्षों से प्रधान नसरू खान
बिना किसी जातीय भेदभाव के अनाथ विधवा माँ की और जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी में भात भरकर आर्थिक सहयोग देने का कार्य भी करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर प्रधान नसरू खान ने अंजुमन शिक्षा समिति की ओर से सहजपुर गांव के सिख समाज की अनाथ बच्ची सिमरन कौर पुत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की शादी में भात की रस्म अदा करते हुए 24,000 रूपए नकद कपड़े और परिवार के लोगों से मिलने की रस्म अदा की गयी। इसे देखते हुए रामगढ़ में थ्रेजर निर्माता आदिनाका निवासी अमरजीत सिंह द्वारा 10,000 रूपए और 2,000 रूपए किसी अन्य द्वारा भेंट कर शादी में आर्थिक सहयोग दिया गया। भात भरने के इस मौके पर अंजुमन शिक्षा समिति सदस्य पप्पू खान डीलर, साबू खान डीलर, रिंकू सरपंच, जुम्मा सरपंच अलावड़ा, समसू सरपंच, मुबीन सरपंच, गौरी खान, मजलीश खान, अयूब खान ठेकेदार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलतपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त, अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलतपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc BEd सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RBS स्कूल का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समर कैंप का हर्षोल्लास के साथ समापन हो गया। महिला समिति की सचिव रमा आर्या ने बताया कि समर कैंप का समापन के अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्षा नीतू सिंह आर्या ने बताया कि समारोह में मुख्य विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र दादीश, अध्यक्षता कर रहे मदन शर्मा विशिष्ट अतिथि राजेश, ज्योति सैनी, संरक्षक नीरज ने बताया कि शिविर में ढोलक, डांस, इंग्लिश स्पीकिंग की गतिविधियों को सिखाया गया। इस अवसर पर महिला समिति की सदस्य अनीता, सुमन, मीरा, राजेश्वरी, रजनी, रोशन, सीता, निशा, अंजू, प्रीति आदि अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शारदा दाधीच ने किया। भाजपा टपुकड़ा मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष ओमवीर चौहान की अध्यक्षता में की गई। सर्वप्रथम भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर फूलमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई। तिजारा विधानसभा की प्रवासी मुख्य वक्ता सत्यनारायण चौधरी ने संगठनात्मक विषय पर चर्चा की, जिसमें शक्ति केंद्र और बूथ समिति पन्ना प्रमुख की इकाई तक हर मतदाता तक पहुंचने में संगठन को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की। विधानसभा प्रभारी शीला चौधरी ने 31 मई 2023 को प्रधानमंत्री की अजमेर में होने वाली विशाल जनसभा में हर मंडल से 50-50 कार्यकर्ता को जाने के लिए आग्रह किया। जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव व विधानसभा विस्तारक दिनेश जोशी ने विधानसभा तिजारा में कमल का फूल खिले को लेकर संगठनात्मक कार्य करने पर जोर दिया। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता बलवीर सिंह तंवर, मंडल अध्यक्ष पवन चौहान, बने सिंह भिदूड़ी, कुलदीप यादव, विनय यादव, उपाध्यक्ष OBC मोर्चा प्रवीण यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री अयूब खान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय भिदूड़ी, लघु प्रकोष्ठ संयोजक राजपाल यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष शहरुद्दीन, MPS नेहा गोयल, शीला चौहान, रण सिंह पोसवाल, भुवनेश गर्ग, विजय यादव, मास्टर मंगतूराम, कृष्ण यादव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे तंबाकू निषेध सप्ताह के दौरान दिनांक 25 से 31 मई तक की जाने वाली गतिविधियों के अंतर्गत आज 29 मई को उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में खंड स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपखंड अधिकारी के द्वारा
बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रयोग कर नशा करने वाले लोगों को जागरूक करने व इसकी प्रभावी रोकथाम कोटापा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत चालान एवं अन्य कानून के बारे में सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ के द्वारा अलग अलग धाराओं के अंतर्गत की जाने वाली चालान की कार्रवाई के बारे में भी अवगत करवाया गया कि धारा 4 के अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर कोई धूम्रपान करता पाया जाता है तो अधिकतम 200 रुपए का चालान काटने की कार्रवाई की जा सकती है। धारा 6B के अंतर्गत शैक्षणिक संस्था के आसपास 100 गज के दायरे में धूम्रपान बिक्री निषेध एवं 6A के अंतर्गत वह स्थान जहां सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद की बिक्री की जाती है उन स्थान के मालिकों को प्रदर्शन बोर्ड लगाना होगा, साथ ही जिस पर चेतावनी लिखी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि गत वर्ष ब्लॉक राजगढ़ में 1806 चालान अलग अलग विभागों के द्वारा काटे गए हैं और इस वर्ष में अप्रैल माह तक 69 चालान काट दिए गए हैं। चिकित्सा अधिकारी प्रभावी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ के द्वारा तंबाकू से बने किसी भी उत्पाद का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी द्वारा सभी को आदेशित किया गया कि 31 मई को ज्यादा से ज्यादा चालान काटे जाएं एवं 31 तारीख को होने वाली जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला के बारे में अवगत करवाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी CHC राजगढ़ डॉक्टर रमेश चंद मीणा, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर निशांत शर्मा व नर्सिंग अधिकारी सुरेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। सम्मानीय SDM साहब, CBO साहब, रमेश जी, पत्रकार बंधु, जैसा कि कोटपा अधिनियम के तहत जो है मैक्सिमम चालान सभी विभाग के द्वारा काटे जाने हैं, इसमें जो है कोई भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता हुआ व्यक्ति मिलता है तो ये कानूनन अपराध है और इसमें धारा 4 के अंतर्गत इसका चालान 1 रुपये से लेकर और 200 रुपये तक का किया जा सकता है। इसी तरह से किसी भी संस्थान के अंदर जो है धूम्रपान रहित संस्थान होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र सभी संस्थानों के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाएगा। स्कूल और स्कूल के आसपास क्षेत्र में जो है धूम्रपान निषेध क्षेत्र है, वहाँ पर धूम्रपान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता हुआ मिलता है तो उसका चालान होना जरूरी है। इसी तरह से 100 गज के दायरे में कोई भी दुकान नहीं होनी चाहिए। 18 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको तंबाकू युक्त पदार्थ बेचना निषेध है, तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति दुकानदार अगर तंबाकू उत्पाद छोटे बच्चों को बेचता हुआ पाया जाता है तो धारा 6 के तहत उसका चालान किया जाता है। इसी तरह से इसका दुकानदार को लाइसेंस लेना अनिवार्य है और सभी दुकानदारों को एक बोर्ड बाहर लगाना होता है जिसमें 18 साल से छोटे बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनी जुर्म है। इसका बोर्ड लगाना चाहिए कि बच्चों को तंबाकू उत्पादन नहीं बेचा जाता है। इस तरह से सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि कोटपा एक्ट जो बना है उसका जो है पालन किया जाए और कोई भी अगर इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसका 200 रुपये तक का चालान किया जाना चाहिए। मार्च तक 1806 चालान हमारे ब्लॉक में किए जा चुके हैं और अप्रैल में भी 69 चालान हमारे ब्लॉक में सभी विभागों के द्वारा किए गए हैं। हर महीने की अंतिम जो तारीख है वो धूम्रपान निषेध डे होता है, इस पर तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनी जुर्म है तो कोई भी दुकानदार इस दिन जो है। रामगढ़ नगर पालिका सभागार में मनोनीत पार्षद राजस्थान सरकार एडवोकेट रोहिता सैनी के नेतृत्व में सभी पार्षदों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पार्षद दौलत राम प्रजापत द्वारा की गई।
नगर पालिका में हुई बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली तथा राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजना और बचत राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उसमें लोगों का फीडबैक लिया गया और मीटिंग के दौरान जो भी समस्याएं पार्षदों की निकल कर आई उनके बारे में चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान पार्षदों की मानदेय की कुछ समस्याएं थी। नगर पालिका के अनेक पार्षदों को पिछले 3 वर्षों से निर्धारित मानदेय नहीं मिल पा रहा, उसके संदर्भ में चर्चा हुई। चर्चा कर रामगढ़ नगर पालिका प्रशासन के प्रशासक SDM अमित वर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जल्द से जल्द सभी पार्षदों के वेतन भत्ते जारी करवाए जाएं। इसके अलावा रामगढ़ नगर पालिका को कैसे स्वच्छ, साफ सुथरा और अच्छा बनाया जाए, इसे लेकर काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसी के साथ ही रामगढ़ नगर पालिका में अधिकारी नहीं लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर विधायक साफिया जुबेर खान और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान से मिलकर जल्द से जल्द अधिकारी लगवाने का प्रयास को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान रामगढ़ नगर पालिका पार्षद सेवानिवृत्त दौलत राम प्रजापत, मांगेलाल वर्मा, मनोनीत पार्षद एडवोकेट रोहिता सैनी, मनोनीत पार्षद अमित कुमार भारद्वाज, पंकज साहू, करण सिंह चौधरी, राजू खंडेलवाल, कमल सेन, धर्मपाल भारद्वाज, रिंकू सैनी, सतीश कुमार, धीरज शर्मा, धीरज वशिष्ठ, राकेश कुमार चौधरी, कला प्रजापत, सोहन लाल जाटव, इस्लाम खान, गौरव सोनी, निवास खान, साहबदीन खान, संजय खंडेलवाल, नंदू सिंह, दली खान, गिरिराज प्रसाद भलाई, अकबर खान पार्षद इत्यादि मौजूद रहे। आज नगर पालिका रामगढ़ के सभी पार्षद गणों की एक मीटिंग का आयोजन हुआ नगर पालिका के अंदर, और जो भी उनकी वार्ड की समस्याएं थी उन्हीं सभी समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ तथा एक जो मुख्य समस्या निकल के आई थी सभी पार्षद गणों की, कि पिछले 3 वर्ष से जब से नगर पालिका बोर्डिंग बनी है तो इनका मानदेय नहीं मिला है। कुछ ही पार्षदों को 2-4-5 महीने का मानदेय मिला है, तो उस मानदेय के लिए आज सभी पार्षदगण आदरणीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करने SDM महोदय के पास पहुंचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है SDM साहब के मार्फत कि आप कस्बे के प्रशासक हैं, नगर पालिका के प्रशासक हैं, कि हमारे जो 60 पार्षद हैं जो उनका बकाया मानदेय पिछले 3 वर्ष का चल रहा है उसे जल्द से जल्द देने की कृपा कर। 29 को सभी रामगढ़ नगर पालिका के पार्षद इकट्ठे हुए, एक मीटिंग हुई है जिसमें कई निर्णयों पर मुद्दा हुआ है। मेन मुद्दा यह है कि सभी पार्षदों का बकाया 3 साल का मानदेय बकाया रह रहा है, उस बारे में आज हैं जो हम SDM साहब के ऑफिस में हैं जो एकत्रित हुए हैं और एक मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन दे रहे हैं। अब जो बकाया पार्षदों का सम्मान है, मानदेय है, उसका भुगतान किया जाए। नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव की तरफ से अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल स्थित स्पेशल केयर यूनिट FBNCU बच्चों की पारिवारिक भागीदारी देखभाल के लिए FPC बाल चिकित्सा आपातकालीन ट्राई इज मूल्यांकन एवं उपचार के लिए स्थापित की गई है, जिनका निरीक्षण करने टीम ने कहा कि अलवर में बेहतर काम हुआ है। सालों पहले अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल में नीपी व भारत सरकार की तरफ से मॉडल के रूप में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट स्थापित की गई। हर साल नॉर्वे की टीम इसका निरीक्षण करती है। इसके सफल संचालन के लिए अस्पताल में बच्चों की पारिवारिक भागीदारी देखभाल के लिए FPC और बाल चिकित्सा आपातकालीन मूल्यांकन एवं उपचार के लिए स्टार्ट का निर्माण किया गया है। नॉर्वे की टीम सोमवार को गीतानंद शिशु अस्पताल पहुंची। 8 अधिकारियों की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़ क्षेत्र में आंगनबाड़ी क्षेत्र पर व्यवस्थाएं देखी व सपोर्ट सिस्टम का निर्माण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की गई। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की किस प्रकार देखभाल की जाती है इस व्यवस्था को भी समझाकर उसके बाद दोपहर में टीम अस्पताल पहुंची व अस्पताल के सभी वार्ड व यूनिट का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाएं देखी, वहां भर्ती महिलाओं से बातचीत की व कंगारू माताओं सहित न्यू बॉर्न यूनिट में भर्ती बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अलवर में बेहतर काम हो रहा है। नॉर्वे की तरफ से सालों पहले यहाँ एक ट्रायल शुरू किया गया जिसको पूरे देश में फॉलो किया, आज भी यहां बेहतर काम हो रहे हैं। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अस्पताल का स्टाफ व अधिकारी मौजूद रहे। नॉर्वे से आई महिला अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में इंडिया बेहतर काम कर रहा है, कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनका फायदा देश के लोगों को मिला, कोरोना काल में सबसे बेहतर काम इंडिया में हुआ। नॉर्वे की टीम ने दोपहर के समय जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, उसके बाद टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि गीतानंद शिशु अस्पताल में नॉर्वे की तरफ से कुछ और सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है, ऐसे में कई प्रस्ताव तैयार करके
नॉर्वे की टीम को दिए गए हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सके। इस दौरान मदर मिल्क बैंक का निरीक्षण करके मिल्क डोनेट करने वाली माताओं से भी नॉर्वे की टीम के सदस्यों ने बातचीत। So the purpose of my visit coming from Norway is to see the good results of the good partnership in the Norway-India Partnership Initiative, focusing particularly on maternal and newborn health. I would like the medical facility in this hospital. It's very impressive to see that at this level of hospital, it's possible to have care for premature newborns, like we've just seen, with equipment, but also innovative new ways of handling babies who are born too early. In particular, we've seen how in the past you would separate the newborns, the premature newborns, from the mothers and the parents, and now we've been able to find ways to keep them together, which is good for the parents and it's good for the newborn baby as well. टीम शिशु चिकित्सालय में विजिट के लिए टीम आई थी, जो कि निपी प्रोजेक्ट जो चलता है उसके तहत अस्पताल का निरीक्षण किया और जो भी इन्होंने यहाँ पर कार्य देखा है तो उससे ये प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन तरीके से किया जा रहा है। कहाँ कहाँ निरीक्षण किया? अभी इन्होंने ईटेट का निरीक्षण किया है, उसके बाद SNC हुआ किया है और FPC जो कंगारू मदर केयर है उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी ली है। उसके बाद अभी यशोदा से इंटरेक्शन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद मदर मिल्क बैंक की विजिट करेंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगावा पुलिस ने लूट की राशि को बरामद कर लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व देसी कट्टा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौगावा थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि कमलेश कुमार सैनी निवासी अजबपुरा थाना नारायणपुर जिला अलवर ने 25 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह हुमाना फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच रामगढ़ में कार्यरत है। वह और उसका साथी देवी सिंह समूह लोन राशि एकत्रित करने के लिए 25 मई को प्रातः
7 बजे गए थे। कलेक्शन की राशि लेकर जब वह रसवाड़ा से निकले तो सेंटर से 700 मीटर दूरी पर मुबारकपुर की तरफ से पीछे से बाइक पर दो लोग आए और मेरी बाइक के सामने अपनी बाइक लगा दी और देसी कट्टा दिखाया व जान से मारने की धमकी दी। देसी कट्टा दिखाकर मुझसे बैग में मोबाइल छीन लिया। बैग में 1,18,035 रुपए थे। रुपए लेकर दोनों व्यक्ति मुबारकपुर की तरफ भाग गए। रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान जारी रखा। नगामा थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। लूट में शामिल दो आरोपी धर्मेंद्र सिंह पुत्र सूरज सिंह निवासी मेजर सिंह की थानी रसवाड़ा, अजीत पुत्र गुरमीत सिंह निवासी बसई बिस्थल को बापर्दा गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा व लूट की राशि को जब्त कर लिया गया है। दिनांक 25 तारीख को परिवादी श्री कमलेश सैनी निवासी थाना गाजी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज मैं कलेक्शन के पैसे लेकर के आ रहा था तो रसवाड़ा के पास में दो लड़कों ने मोटरसाइकिल आगे लगा करके मेरे से 1,18,035 रुपए की लूट कर ली। जिस सूचना पर मन थानाधिकारी और जाप्ता मौके पर पहुंचा, मौके के हालातों का जायजा लिया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। लूट की धारा प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। तकनीकी सहायता और जमीनी मुखबिरी के आधार पर मुलजिम धर्मेंद्र सिंह और अजीत सिंह दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 82,000 रुपये लूट की राशि, घटना पर एक मोटरसाइकिल बरामद की है। नौगावा तहसील में चोरों ने चोरी करने के लिए किराने के होलसेल की दुकानों को प्राथमिकता से चुना हुआ है और उनमें से भी सिर्फ बीड़ी, सिगरेट और महंगे सामानों को ही चोरी करते हैं। बीती रात भी एक होलसेल की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। विकास कुमार जैन पुत्र दीपचंद जैन निवासी नौगावा ने नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि चौपड़ा बाजार नौगावा में उसकी आदित्य ब्रदर्स के नाम से होलसेल की दुकान है। 28 मई को वे रात करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद करके गया था। मध्यरात्रि को कोई अज्ञात चोर आया जिसने छत पर चढ़कर किवाड़ व जंगला तोड़ा और फिर दुकान के अंदर से 6 बोरी 502 बीड़ी मूल्य 1,98,010 रुपए और स्पेशल 40 पूड़ा 13,200 रुपए, सिगरेट के पैकेट 5,000 रुपए, सीकर पान मसाला 1,100 रुपए के व अन्य सामान चोरी करके ले गया। सुबह जब दुकान खोली तो चोरी का पता चला। सूचना पर नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोर मुंह पर रुमाल बांधकर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में भी चोरों ने किराने की होलसेल दुकानों को ही निशाना बनाया और उनमें से भी बीड़ी, सिगरेट सहित अन्य सामान चोरी किया, लेकिन पुलिस अभी तक उन चोरियों का खुलासा नहीं कर पाई है। राजस्थान के पूर्व निशक्त जन आयुक्त खिल्लीमल जैन ने अलवर को संभाग मुख्यालय घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजा है। खिल्लीमल जैन ने बताया कि अलवर जिले को सरकार ने 4 भागों में विभक्त करने का निर्णय किया है जिससे अलवर की आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां विषम हो गई हैं। उन्होंने बताया कि अलवर जो एक पूर्ण रियासत थी अब एक छोटा सा भूभाग रह गया है। आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है, बताइए इसके बारे में, संभाग के बारे में। अलवर जिला जिसमें पहले 11 तहसील और 14 पंचायत समितियां थी उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक खैरतल जिला बनाया गया है जिसमें भैरोड, मंडावर, तिजारा, भिवाड़ी आदि सारा क्षेत्र निकाल दिया गया। दूसरा भैरोड कोटपुतली जिला बनाने की घोषणा की गई है जिससे हमारे अलवर जिले की जो मान मर्यादा है उसको ठेस लगी है। इधर कठुमर को डीग जिले में मिलाए जाने का प्रस्ताव है। कठुमर तहसील में ही खेड़ली मंडी आती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से खेड़ली और खैरतल दो मंडियां ऐसी है जो पूरे देश भर में क्या विश्व में सरसों की मंडी मानी जाती है। ऐसे व्यापारिक केंद्रों को हमारे यहाँ से निकाल दिया गया है। अलवर रियासत थी, पूर्ण रियासत थी और जिसका विलय 1947 में बल्कि 1949 में मत्स्य राज में हुआ था और 1953 में मत्स्य राज को राजस्थान में मिलाया गया। पहले राजपूताना था। ऐसे हमारे अलवर जिले की शान और शौकत को
इस तरीके से विभाजित करके बट्टा लगाया गया है। मेरा कहना यह है कि अलवर की शान बरकरार रहे, अलवर का वैभव बरकरार रहे, आर्थिक दृष्टि के कौन से जो हमारे जिलों को जिले को नुकसान पहुंचाया गया है और विभाजन किया गया है, ठीक है सब राजस्थान के भाग, तो अलवर जिले के मान सम्मान के लिए इसको संभाग स्तर पर का दर्जा दिया जाए। संभाग स्तर का दर्जा दिए जाने से आरपीएससी आदि की सारी परीक्षाएं संभाग मुख्यालय पर होंगी। पहले इससे पहले भी भरतपुर को संभाग बना दिया गया, अलवर जिला उस समय भी संभाग बनाए जाने काबिल था, लेकिन किसी भी कारण से, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि हमारी राजनीति कमजोर रही या दूरदृष्टि में क्या रहा, आज अलवर को पुनः संभाग स्थापित किए जाने की बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप भी अलवर के काफी लोगों से। 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हटुंडी के विद्यार्थियों ने अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करते हुए टॉपर्स की लाइन लगा दी। आज इस गर्व के क्षण को यादगार बनाने तथा 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप प्रशासन गाँव के संग अभियान में शैक्षणिक सत्र 2022-23 की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त प्रियंका गुर्जर पुत्री सुरेश गुर्जर, 94.80% मनीषा पुत्री रमेश, 91.60% पायल सोनी पुत्री कृष्ण सोनी, 91% व प्रमोद कुमार, मनीष सेन, कामनाबाई, नेहा यादव, पुष्पाबाई, नरेंद्र कुमार, विनय कुमार, रवि यादव आदि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, मेडल एवं गुलदस्ता प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में सम्मानित सभी छात्र छात्राओं को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए तथा कार्यक्रम में उपस्थित आगंतुकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशीला यादव ने बताया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सभी छात्र छात्राओं ने 100% रिजल्ट देकर बेहतरीन सफलता अर्जित की है। उन्होंने कहा, प्रतिभा सम्मान समारोह न केवल विद्यार्थियों को सम्मानित करता है बल्कि उनमें आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना को पुष्ट करके भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। हम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करके देश के होनहार भविष्य को एक सुनहरे मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों के सफल व उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी की। इस नायब तहसीलदार बलवंत सिंह, एडीओ देशराज, राजू सैन सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। जब साथ आए सब मिलकर तो मिट्टी में सोना उगाना भी, जब परंपरा समृद्धि की और कोशिश कुछ नया करने की, जब पहचान हो प्रमाण और हर किसान का सम्मान, सर 50 साल नई तकनीकों का वादा, बदलते रहे पांच दशकों ने दिखलाया कुछ भी नहीं असंभव है। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, NEET, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test,
special attention on weak students, regular parents-teacher meeting, AC campus for students and door-to-door convince facility. आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें. CMRS Institute, JLG Square, opposite Harish Hospital, near Jail Circle, Alwar. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. कोटिवा परिवार के सदस्य अग्रवाल खाद बीज भंडार के मालिक संजय कुमार अग्रवाल टिकरिया जिला दौसा में सोमवार को प्रमोद शर्मा कोटिवा के क्षेत्रीय अधिकारी सूर्य प्रकाश द्वारा अवगत करवाया कि सोमवार को दौसा जिले में एक विक्रेता के मोटरसाइकिल ड्रॉ में निकाला गया. विक्रेता प्रथम इनाम मोटरसाइकिल देकर घोषित किया गया. ये हमारे रूट पिल्स के विक्रेता हैं. उन्होंने सभी विक्रेताओं को आह्वान किया है कि आप भी रूट पिल्स में अधिक से अधिक कूपन अपलोड कर उपहार ले सकते हैं. कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू का भय दिखाकर राहगीरों से लूटपाट करने के आरोपी में युवक इजहार खान को गिरफ्तार किया है. कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर जरिए सूचना मिली कि एक युवक स्कीम नंबर 10 जय पल्टन रोड पर चाकू का भय दिखाकर लोगों से लूटपाट की कोशिश कर रहा है, जिसकी सूचना पर मैं जाप्ता पुलिस टीम मौके पर पहुंची. आरोपी युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा. पीछा कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो आरोपी के पास एक चाकू मिला. पुलिस ने आरोपी से चाकू के संबंध में पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि आरोपी इजहार खान जय पल्टन रोड पर खड़ा होकर चाकू दिखाकर लोगों से लूटपाट करने का प्रयास कर रहा था. पुलिस आरोपी इजहार को गिरफ्तार कर थाने लाई. पुलिस अनुसंधान में पता चला कि आरोपी इजहार पूर्व में बाइक चोरी के मामले में बंद रह चुका है. आरोपी इजहार अलवर के अकबरपुर का निवासी है. हमारा ये है, कल शाम को प्रताप अल्टर रोड इसके नंबर 10 तरफ राहगीरों से लूटपाट करने के चक्कर में एक मुलजिम नाम है इजहार उर्फ बांस, पिता का नाम दिलबाग, रहने वाला है अमर सिंह का वास अकबरपुर सीकरी भरतपुर. उसके दौरान गश्त पकड़ा, चाकू जो लेकर राहगीरों से लूटपाट के चक्कर में था और थाने पर लाए और उस पर केस कराए. जीसी ऑर्डर कर दिया. कौन सी जगह से गिरफ्तार किया है? प्रतापलदा रोड है, स्क्रीन में टैंक तरह. किस तरह का भय दिखा रहा था चाकू? चाकू से जनता को डरा रहा था, पैसे वैसे लेने की फिराक में डरा कर. पहले भी कोई मुकदमे है इसके खिलाफ? इससे कोई मोटरसाइकिल चोरी की मुकदमा है. नौगांव में पकड़ा गया आज. भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति खैरतल की ओर से रविवार को खैरतल में एक दिवसीय निशुल्क नेचुरोथेरेपी एक्यूप्रेशर चिकित्सा व योग शिविर आयोजित किया गया. शिविर के संयोजक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जोगिंद्र सिंह यादव ने बताया कि 28 मई रविवार को खैरतल में किशनगढ़ रोड पर स्थित एक्सेस अकेडमी स्कूल प्रांगण में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 160 मरीज लाभान्वित हुए. शिविर में आने वाले सभी मरीजों को आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में नेचुरोथेरेपी पद्धति से उपचार किया गया. शिविर में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा मरीजों का उपचार किया गया. शिविर में प्रमुख रूप से बीपी, शुगर, कब्ज, गैस, मोटापा, दुबलापन, माइग्रेन, साइटिका, अम्लपित्त, हृदय रोग, पेट दर्द, जोड़ों के दर्द, मिर्गी, एलर्जी, कैंसर, टीबी, दमा, बवासीर, चर्म रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, नजला, साइनस, थायराइड, लीवर, किडनी आदि समस्त शारीरिक व मानसिक रोगों से पूर्णतः मुक्ति पाने के नुस्खे शिविर में सिखाए गए. आज एक्सिस एकेडमी खैरतल के प्रांगण में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजलि योग समिति के सुपरविजन में उनके बैनर के अंदर में ये योग कैंप, निःशुल्क योग कैंप और आकुप्रेशर, नेचुरोपैथी, किडनी संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए आज ये कैंप लगाया गया है. इसमें लगभग 250-300 पेशेंट्स आए थे और इसमें सबको दवाइयां भी वितरित की गई हैं. किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसकी दवाइयां निशुल्क वितरित की गई, उनका निदान किया गया प्रॉब्लम का. और आकुप्रेशर जैसे ज्वाइंट पेन होते हैं, लोअर बैक पेन होता है, पैरों में जोड़ों में दर्द होता है, इन सभी समस्याओं के निदान के लिए बहुत ही प्रशिक्षित डॉक्टर्स लेकर आते हैं हम विभिन्न विभिन्न जगह से और वो काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं. काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है और हमारा रिजल्ट लगभग यहाँ घुटने में तकलीफ थी, एक में राड़ लगी हुई थी, दूसरे घुटने में वैसे दर्द होने लग गया था और आज दिखाने से मेरे को बहुत फायदा हुआ. क्या फायदा हुआ? सही हो गया, दर्द नहीं हो रहा. कौन से डॉक्टर को दिखाया? ये बी एस
यादव। पहले और भी डॉक्टरों को दिखाया था? पहले मैं वहाँ गुड़गांव में दिखाया था, वही हॉस्पिटल में और जयपुर में दिखाया था। कितने समय से पीड़ित थे उस बीमारी से? ये सन 94 से। 94 से अब तक फायदा नहीं हुआ? नहीं, पहले तो ठीक था बीच में। हाँ, अभी तकलीफ तो ये अभी हुई है। तो आज तुरंत फायदा मिल गया आपको? हाँ, काफी साल के बाद मिला है, बहुत परेशान था। ऐसा क्या किया डॉक्टर साहब ने जो तुरंत फायदा मिल गया? नशे से जहाँ जाओ उसमें बिंद है ना, जहाँ दर्द होया दबाया, नशों को दबा के सही कर दिया। चौपानी की थाना अंतर्गत अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए चौपानी की थाना पुलिस ने अवैध हथकर शराब को अपने कब्जे में रखकर बेचने वाला बदमाश सुज्जा सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे व मौके से 20 लीटर हथकर शराब को भी जब्त किया गया है। चौपानी की थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड ने बताया कि मुखबिर के द्वारा करण सिंह को सूचना मिली थी कि सुच्चा सिंह पुत्र बग्गा सिंह खेड़ी हैसोपुर वाले रास्ते पर अपने कब्जे में रखकर अवैध हथकर शराब को बेचने पर उसके कब्जे से 20 लीटर हथकर अवैध शराब जब्त कर आरोपी सुच्चा सिंह पुत्र बग्गा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से अवैध हथकर 20 लीटर शराब को जब्त कर लिया है। चौपानी के थाना अंतर्गत अवैध खनन की रोकथाम के लिए चौपानी की थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर पत्थर चोरी करने वाला आरोपी खुर्शीद को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मीरपुर के रहने वाले राकेश कुमार ने लिखित में शिकायत दी थी कि 27 मई को वन क्षेत्र गंडवा के पहाड़ क्षेत्र में कुछ लोग अवैध खनन कर पत्थर चोरी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस बताए स्थान पर पहुंची, जहां पर कुछ लोग वन क्षेत्र गंडवा के पहाड़ में चल रहे अवैध खनन से ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरते हुए दिखाई दिए, जो दूर से संयुक्त पुलिस टीम को देखकर पहाड़ के रास्ते भागने लगे, जिसका पीछा किया गया लेकिन वो भागने में सफल हो गए। एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध पत्थर भरे हुए ट्रैक्टर को स्टार्ट कर भगाने लगा, जिसका टीम द्वारा पीछा किया गया तो आगे के रास्ते उबड़ खाबड़ रास्ते होने के कारण ट्रैक्टर चालक घबरा गया एवं उसके ट्रैक्टर ट्रॉली को भरी हुई छोड़कर वहां पर भाग गया, जिसको पुलिस द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम खुर्शीद निवासी गंडवा होना बताया। ट्रैक्टर व अवैध खनन के बारे में पूछने पर ट्रैक्टर होराम पुत्र भेंडा गुर्जर निवासी इंदौर का होना बताया एवं खनन के बारे में पूछने पर बताया कि हमारे पास किसी प्रकार के खनन के कोई कागजात नहीं है, हम पत्थर अवैध खनन कर गांव सारे कला बेचने के लिए जा रहे थे। इस पर ट्रैक्टर चालक खुर्शीद पुत्र शिव सिंह को मौके पर ही पकड़कर दस्तयाब किया गया है। ट्रैक्टर फार्माटेक व ट्रॉली में पत्थर करीब 50 मन भरे हुए बिना नंबर को मौके पर कब्जा कर थाने पर खड़ा किया गया है। वहीं प्रकरण में संलिप्त वाहन स्वामी की तलाश चौपानी के थाना पुलिस सरगर्मी से कर रही है। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा आज अरावली की सुरगम्य पहाड़ियों से घिरे संजीवनी तपोवन में बाबा मोहन राम खोली धाम की 107वीं भक्तिमय एवं भव्य परिक्रमा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा बाबा मोहन राम की अखंड ज्योत के दर्शन किए और अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। परिक्रमा के संयोजक प्रकल्प प्रमुख ग्यारसी राम गुप्ता रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री सेवा डॉक्टर नीरज अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष डीके गोयल, डॉक्टर नवनीता शर्मा, आरसी गुप्ता, जेके शर्मा, सीए रोहित, सीए हिमांशु, पार्षद विजय मोहन सिंह, विजय बंसल, अशोक गुप्ता, मनीष अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, विजय सिंह, गीतिका अग्रवाल, निरंजन खंडेलवाल, अनिल सिंगल तथा अन्य परिषद सदस्य उपस्थित रहे। शाखा द्वारा अपनी अगली 108वीं परिक्रमा का आयोजन रविवार 25 जून 2023 को किया जाएगा। लघु उद्योग भारती खैरतल द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा बिजली बिल में फ्यूल चार्ज लगाने के विरोध स्वरूप सभी फैक्ट्रियों को बंद रखकर औद्योगिक क्षेत्र में रिको पार्क में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं राज्य सरकार से इसे वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर महेश कुमार, नीलम गुप्ता, ओम प्रकाश यादव, गौरव डाटा, नीलेश डाटा, देवेंद्र शर्मा, सुनील गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, धर्म प्रकाश बच्चानी, विकास कुमार, अभिषेक गोयल, महेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अशोक गुप्ता, मुरारी गोयल, कालू भाई, घनश्याम दास, चेतन दास, दीपक, हिमांशु शर्मा, सोनू गुप्ता, रवि कुमार, गोपाल शर्मा और लगभग सभी सदस्य उपस्थित रहे। सभा के उपरांत लघु उद्योग भारती खैरतल इकाई अध्यक्ष महेश कुमार, महासचिव देवेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष विकास कुमार, उपाध्यक्ष नीलम गुप्ता ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। लघु उद्योग द्वारा फेस की जा रही समस्याओं पर चर्चा की गई। हर माह एक बैठक करके एवं समस्याओं पर आपस में चर्चा करने पर सहमति जताई गई।
मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, सरकार वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, सरकार वापिस लो, सरकार वापिस लो। ने जो लघु उद्योगों पर फ्यूल सरचार्ज लगाया है उससे बहुत जबरदस्त इकाइयां लॉस में जा रही हैं। सरकार को इनको ऑफर देना चाहिए जब भी उद्योग आगे बढ़ेंगे, वरना बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रत्येक इंडस्ट्रीज पे इससे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं सभी व्यापारी, हम इसका विरोध करते हैं और वापस लेने की मांग करते हैं। इसके विरोध स्वरूप खेतल में सभी लघु उद्योगों ने आज अवकाश रखा है। पायनियर कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी अश्विनी अवस्थी द्वारा जिले के समस्त क्षेत्र का भ्रमण करते हुए काश्तकारों से मिलकर 86M94 की जानकारी देते हुए सभी काश्तकारों को इस बार 86M94 लगाने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने सभी काश्तकार से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक 86M94 लगाएं, जिससे अधिक बाजरे की पैदावार और मुनाफा प्राप्त हो सके। सभी काश्तकारों ने आश्वासन दिया कि इस बार हम अधिक से अधिक पायनियर का बाजरा ही लगाएंगे। ये बाजरा कम पानी में भी शानदार खड़ा रहता है और आड़ा नहीं रहता। लॉयंस क्लब प्रांत 3233E1 के रीजन 10 के रीजन चेयरमैन के रूप में पीड़ित मानव की निस्वार्थ सेवा भावना, नेतृत्व क्षमता, मिलनसार खुश मिजाज, सेवा गतिविधि आयोजित करने की कार्यशाली को देखते हुए MJF लॉयन अभिषेक गोयल को रीजन चेयरमैन पद पर मनोनीत किया गया है। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी से रीजन चेयरमैन बनने वाले तीसरे रीजन चेयरमैन MJF लॉयन अभिषेक गोयल का लायनवाद के कुल 5 वर्ष में ही रीजन चेयरमैन बनना अपने आप में रिकॉर्ड है। MJF लॉयन अभिषेक गोयल ने बताया कि प्रांतपाल लॉयन ओम प्रकाश गग्गड़ के नेतृत्व में मुझे रीजन चेयरमैन की जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं IPDG और मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन लॉयन रोशन सेठी, PDG MJF लॉयन नितिन मांगलिक, FVDG PMJF लॉयन सुनील अरोड़ा, FVDG MJF लॉयन सुधीर वाजपेयी का धन्यवाद प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रांत के एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन से पूरे रीजन में सभी सेवा गतिविधि प्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार करवाने का प्रयास करने का संकल्प लेता हूं। रीजन चेयरमैन MJF लॉयन अभिषेक गोयल ने बताया कि मैं लॉयंस क्लब खैरतल मंडी का सदस्य केवल और केवल लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के बना और आज तक जो भी सेवा कार्य किए हैं वो अपने माता पिता और लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता के दिखाए और सिखाए मार्ग से ही कर रहा हूं। मैं अभिभूत हूं कि डॉक्टर रिंकू मेहता ने आज मुझे रीजन चेयरमैन की जो जिम्मेदारी दिलाई है उसके लिए मैं डॉक्टर रिंकू मेहता सहित लॉयंस क्लब खैरतल मंडी के सभी सम्मानित सदस्यों व पूरे रीजन के 15 क्लबों के सभी लॉयंस सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पूरे रीजन में मुझे जब भी कोई लॉयंस सदस्य किसी भी कार्य के लिए याद करेगा मैं दिन रात अग्रसर रहूंगा। मैं आशा ही नहीं अपितु मेरा विश्वास है कि पूरे प्रांत में तीनों जोन चेयरमैन लॉयन सत्यनारायण खंडेलवाल, लॉयन सावित्री गौतम व लॉयन राजकुमार जिंदल के सहयोग से हमारा रीजन सेवा गतिविधि करने में प्रथम स्थान पर रहेगा। इस दौरान जैसे ही रीजन के क्लबों लॉयंस क्लब अलवर, अलवर मत्स्य, अलवर सिटी, अलवर सरिस्का बहरोड, बहरोड रॉयल, बहरोड किंग, भिवाड़ी, भिवाड़ी सिटी, भिवाड़ी रोशनी, कोटपुतली सिटी, खैरतल मंडी में पता चला सभी ने बधाई प्रेक्षित कर अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर राजस्थान आगमन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में जिले भर में स्वच्छता अभियान, सार्वजनिक जगहों की सफाई के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इसके तहत अलवर शहर में श्री विवेकानंद मंडल में लाल डिग्गी जलाशय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान एवं श्रमदान किया। आज के इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, अलवर शहर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव, जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया, SC मोर्चा जिला अध्यक्ष सीताराम किराड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, रवि यादव और मोर्चा उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, मंडल पदाधिकारी नंदू मना, राकेश यादव, राम प्रताप सैनी, अभिषेक कुमावत, रणदीप सिंह लक्की, विनोद यादव, रति राम, मंजीत सिंह, महेंद्र स्वामी, चुन्नू सैनी, योगेश सैनी, पिंटू सैनी, घनश्याम यादव, प्रकाश शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
माचाड़ी ग्राम स्थित नगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधवदास महाराज के सानिध्य में 14 मूर्तियों की स्थापना को लेकर नव कुंडीय श्री राम महायज्ञ के आयोजन में पंडितों द्वारा हवन यज्ञ आदि करवाया गया। नगेश्वर धाम आश्रम पर चल रहे श्री राम महायज्ञ के पंचम दिवस पर रविवार को 14 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम कथा के दौरान संजीव कृष्ण दास शास्त्री महाराज के मुखारविंद से कथा का अद्भुत रसपान हुआ। सभी श्रोताओं ने खूब मन लगा के कथा का आनंद लिया। भगवान श्री राम कथा में विश्वामित्र का आगमन एवं दशरथ के प्रेम की चर्चा का कथा के रूप में विस्तार से जानकारी दी गई एवं भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का विस्तार से बताया गया। रात्रि 8 बजे रामलीला में राम बारात, सीता जी का कन्यादान, राम वनवास आदि कार्यक्रमों का कलाकारों ने अपनी कलाओं के द्वारा विस्तार से बताया गया। रामलीला को देखकर श्रोता भाव विभोर हो गए। इस कथा में दूर दूर से संतों का पदार्पण, विद्वान जनों का पदार्पण हुआ है। इस आयोजन के कर्ता माधवदास महाराज के सानिध्य में आज श्री राम कथा व रामलीला यज्ञ आदि कार्यक्रम सम्पन्न हुए। कार्यक्रम में बड़े ही धूमधाम से भक्तों का जनसैलाब, अत्यधिक संख्या में पूजन, हवन, रामलीला आदि के प्रति तथा श्री राम कथा श्रवण कर भगवान की मंगलमय आरती के साथ पंचम दिवस का कार्य पूर्ण हुआ। चित्रगुप्त से आए संत महात्माओं का फूलमाला पहनाकर व भेंट देकर स्वागत कर आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम के इस अवसर पर महंत माधवदास महाराज, शनगादिक महाराज, राघवदास महाराज, मंचखड़ा धाम, चित्रकूट, दामोदर स्वयं पाकी महाराज, महंत श्यामदास महाराज, श्याम सुंदर दास महाराज, महंत भगवान दास महाराज, ओम दास महाराज, मंगल दास महाराज, केशव दास, रैणी से संगीता बाई किन्नर, नागराज शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भक्त, महिला, पुरुष व बालक मौजूद थे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।